हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का डिटेल वीडियो, आज बैंक टैक्स और मिड कैप की एक्सपायरी थी, कुछ ही दिनों बाद ये सारी एक्सपायरी, एक महीना बचा है, एक महीने के बाद ये सारी एक्सपायरी मंथली में कन्वर्टेड हो जाएंगी। मंथली पे ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, सो डोंट वरी, मंथली पे ऐसा नहीं होगा कि मंथली पे आपके लेवल्स या हमारे लेवल्स काम नहीं करेंगे, मंथली एक्सपायरीज पे भी काम अच्छे से कर पाएंगे। ओटीएम सेगमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, रीजन बींग दैट कि काफ़ी दूर के ओटीएम हम ट्रेड कर पाएंगे, 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे के ओटीएम, तो प्रीमियम भी आपको अच्छा मिलेगा और वहाँ पे उसकी वैल्यू भी काफ़ी, वैल्यू एडेड सर चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होंगी। तो आज के बैंकर्स और मिड कैप, देन फिन निफ्टी भी कर सकते थे। तो चलिए पहले बात करते हैं मिड कैप की। सो मिड कैप में ये एसएलटी 1, SLT 2, सो ये प्राइस SLT के नीचे गया, ये प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे क्लोज हुआ 34 से 43 ऑलमोस्ट 30% है, 25-30% के आसपास, 25 के बाद ट्रेडिंग आराम से चल सकता था। मार्केट केम बैक डाउन और फिर अगला जो ट्रेड होता है वो ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जाता है, द ट्रेड विल बी इनिशिएटेड हियर। जब यहाँ पे ट्रेडिंग हिट हो रहा होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिलता है जो 13 रुपये 35 पैसे पे, 13 रुपीज़ 35 पैसे पर ट्रेड मिलता है, 13 रुपीज़ 35 से 34 ऑलमोस्ट 250-260% केम बैक डाउन, दोबारा से पुल बैक एंट्री भी आती है, 18 रुपये 75 पैसे, 18 रुपये 75 पैसे से 22 रुपये, 6 रुपये, 30% 6 रुपये होना चाहिए था, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 रुपये कुछ पैसे होना चाहिए था, तो 4 रुपये समथिंग ये चला है। सो नो वरी, बट स्मॉल प्राइस है तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, उस पर आप नहीं कट कर पाएंगे। सो ये यहाँ पे एक एसएल हिट होता है, एक एसएल यहाँ पे एसएल नहीं होता बेसिकली, ये प्रॉफिट दिया है उसने और वो गया है 30% के आसपास तक, और यहाँ पे एक एसएल हुआ। उसके बाद एग्जैक्ट ट्रेड 11 रुपीज समथिंग पे, 10 रुपये लो 11 का है, क्लोज 11 का है, यहाँ पे एक ट्रेड आता है। एक्चुअली ये पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, फिर बाद में 4 मिनट हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा हेक्टिक है। 11 रुपये 85 पैसे, 11 रुपये 85 पैसे से 22 रुपये, 100%, 21 रुपये 85 पैसे, 21 रुपये 45 पैसे, ऑलमोस्ट 100% है। देन ये ट्रेड और वही ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरली सेम टाइम पे 10 रुपये 85 पैसे, 10 रुपये 85 पैसे से 14 रुपये 85 पैसे, ये भी 30% के आसपास, 30% से ज्यादा है, सो ये ट्रेड भी पॉसिबल था। केम बैक टू हीरो जीरो, हीरो जीरो लेवल आया 3 रुपये 60 पैसे का, एग्जैक्ट लो है 3 रुपये 60 पैसे, और हीरो जीरो में कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया, 3 रुपये एक्चुअली आज का हीरो जीरो जो मिड कैप का था वो 3 रुपये 45 पैसे के आसपास था, तो थोड़ा सा चेंज किया गया है उसमें, और सारे हीरो जीरो लेवल्स थोड़े थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि कई दिन से हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट लो जो है, एक कैलकुलेशन से एग्जैक्ट लो मिल रहे थे एक्सपायरी सिंबल में, सो हमने उसको चेंज किया है। सो नो वरी, 3 रुपये 45 से 3 रुपये 35 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे का लो, नो बिग डिफरेंस इन साइड, सो ट्रेड किया जा सकता था और ट्रेड यहाँ पे अच्छे से इनिशिएट हुआ। उसके बाद अगर ऊपर की बात करें कोई बात नहीं, उसके बाद भी अगर 4 रुपये 70 पैसे के आसपास मिड कैप, 5 रुपये 35 पैसे, सो 5 रुपये 35 पैसे, 4 रुपये 70 पैसे है, यहाँ पे 10 रुपये 30 पैसे है, सो आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ यहाँ पे, 3 रुपये 80 पैसे का क्लोज है, 3 रुपये 80 पैसे का क्लोज है, 102 रुपये, 102 कितने गुना है आप खुद ही देख लीजिएगा, हाउ मच टाइम्स यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड एनी वे, मतलब यहाँ पे ट्रेड हो सकता था, यहाँ पे भी दूसरा 70 रुपये, 10 बाय एंट्री 1 लेवल है, 10 रुपये 70 पैसे का, थोड़ा सा चार्ट को कुछ इस तरीके से देखते हैं। अब देखिए तो विजन क्लियर होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। दोबारा से 35 रुपये 95 पैसे, 35 रुपये 95 पैसे का वैल्यू आया, 35 रुपये 95 पैसे एक बार देख लेते हैं, 35 रुपये 95 पैसे मिड कैप में, 33 रुपये 37 रुपये 95 पैसे क्या था क्लोज, 37.95 और मे बी ये था 33 20, लो कितना है 35 20, सो ट्रेड यहाँ पे दोनों में से किसी भी केस में पुल बैक एंट्रीज यहाँ पे मिल सकती थी,
37.95 डन। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे तो ऑब्वियसली ये ट्रेड आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। 5 मिनट करके देखिए, राइट आ गया, राइट ये टच करके ऊपर गया, तो 4 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें। एक्सपायरी सिंबल में 4 मिनट कर रहे हैं, बाकी 5 मिनट भी 4 मिनट दोनों आप कर सकते हो, नो मैटर होंगे। पुट की बात करें, पुट भी चला, पुट भी चलता रहा बैक टू बैक। देखिए बहुत लिटिल, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, 5.80 रुपये लेवल था, 5.35 रुपये, 50 पैसे का डिफरेंस है। सो 50 पैसे के डिफरेंस पे इसको नहीं छोड़ सकते, और इमीडिएटली अगर आप ये बात करें तो ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है, और नहीं तो यहाँ पे समझ रहे 7.45 रुपये, 7.45 रुपये, 66 रुपीज, 10 टाइम्स ऑलमोस्ट। दोबारा से पुल बैक एंट्रीज, 22 से फिर से हाई, 22 से हाई की बात करें 55, 150, देन 25 से 66, 250%, फिर बैक टू बैक एंट्रीज मिलती रही, क्लोज 28 से 50, क्लोज इस पे ट्रेड कर सकते थे 26.35 या 25.60, 25.60 से 40, हाउ मच टाइम्स इट विल गिव्स यू अ राइट प्रॉफिट, 30% से ज़्यादा, 25 से 33, सो यहाँ भी आपको ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ये वाले। तो पुट भी अच्छा चलता रहा। देखिए मार्केट मूवमेंट, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, और सडनली आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर बड़े मूवमेंट आए, तो कॉल की साइड बड़ा मूवमेंट आया, पुट की साइड भी छोटे छोटे, जैसे जैसे मार्केट नीचे आती थी तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला पुट की साइड में भी। तो ये मिड कैप अनएक्सपेक्टेड है, हीरो जीरो जो क्वालिटी ऑफ हीरो जीरो है वो यहाँ पे प्रूवन होती है कि किस तरह की क्वालिटी से आप ट्रेड कर रहे हैं। बैंकर्स डायरेक्ट वे, डायरेक्टली स्ट्रेट वे नीचे आया, दोनों का प्राइस SLT2 के ऊपर नहीं जा रहा था, SLT2 उस टाइम पे कोई मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन 47, देखिए एग्जैक्ट लो देखिए, 48 का एग्जैक्ट लो है मार्केट का, और 47.75 का लेवल है, 48 लो, लो इज 48.80, और यहाँ पे एग्जैक्टली 48 और 47.75 का वैल्यू, कोई बात नहीं। उसके बाद ट्रेड, अगर ट्रेड की बात करें तो 65.85 का ट्रेड, 65.85 के ट्रेड के साथ 247, 400% पुल बैक एंट्रीज, उसके बाद दोबारा टेस्ट नहीं हुआ, यहां पे एक बार लो ब्रेक हो गया, तो लो ब्रेक होने के बाद फिर ट्रेड करना है इसमें, ठीक है। सेम कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया 152 से 178, हाई एंड रिवर्स एंट्री, दोबारा से पुल बैक, सो हर बार आपको 30% से ज्यादा मिला, और ये स्टेट पे नीचे आता रहा है, यहां पे किसी भी लेवल पे ट्रेड नहीं हो पाया। सो बैंकेक्स नाउ फिन निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सिंबल है बट मूवमेंट आएगा तो ऑब्वियसली फिन निफ्टी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सो फर्स्ट ट्रेड राइट अवे, ये प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 925 पे अगर बात करें, SLT1 SLT2 के नीचे की अगर बात करें तो कोई बात नहीं, मिड लेवल से ट्रेड यहाँ पे, फर्स्ट टाइम क्लोज SLT1 के ऊपर, सेकंड टाइम क्लोज SLT1 के ऊपर गया। उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे आया, ये ट्रेड 25 रुपये 50 पैसे से 30 रुपीज, 7.5 रुपये करीब, 32-33 होना चाहिए था, स्टॉप लॉस हिट हुआ डाउन पे। यहाँ पे बार बार पुल बैक एंट्रीज आती रही, राइट। सो पुल बैक में भी अगर बात करें तो ये क्लोज ऊपर हुआ है, तो एग्जैक्टली टेस्टिंग इस लेवल की हुई, तो 94 से 118 और मे बी हियर 123, सो 25% का प्रॉफिट चाहिए था, 25 से कहीं ज़्यादा। सो आगे आने वाले टाइम पे मंथली एक्सपायरी पे भी अपडेट कर जल्दी ही मैं करूँगा, और मंथली अपडेट, मंथली एक्सपायरी का सेगमेंट हम अभी से स्टार्ट करेंगे, कुछ ही टाइम बाद, मे बी इस वीकेंड तक हम मंथली एक्सपायरी भी सेगमेंट ऐड कर दें, तो लोग प्रिपेयर हो जाएं और वीकली ऑप्शन को भूल जाएं। बड़े बड़े मूवमेंट नहीं होंगे, लेकिन मार्केट जैसा मूवमेंट करेगा ऑप्शन में, फ्यूचर की तरह आराम से ट्रेड कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मंथली ऑप्शन पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, और साथ में लेवल्स को अपडेट किया जाएगा। लेवल्स आई मीन टू से मंथली एक्सपायरी के लिए लेवल्स चेंज नहीं होंगे, बट लेवल्स के लिए अलग से कॉलम, अलग मंथली एक्सपायरी का एक कॉलम मैं स्टार्ट करूंगा।
जितना जल्दी हो सकेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, सो कीप वॉचिंग और बने रहिए, मार्केट में बने रहेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा बेनिफिट आपको हमारे से जरूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड डे फॉर नाउ, मिलते हैं कल के डेटिंग।